साल 2021 में अंतिम दिनों में एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जिसमें खुलेआम बाजार में गोलीकांड हुआ। गोलियों की बौछार से चार युवक घायल हो गए, जिसमें से एक की मौत हो गई। 30 दिसंबर को ही घटना को लेकर लोगों में दहशत है और व्यापारी संगठन कहीं ना कहीं अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा। प्रयागराज कीटगंज बाजार में चाट व्यापारी राजन गुप्ता की गोलीकांड में मौत हो गई और उनके भाई अभी घायल हैं और अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके साथ साथ दो और सहयोगियों को गोली लगने से घायल हो गए, जिनका इलाज सर्वमान्य अस्पताल में चल रहा है। आरोपी निलंबित आबकारी सिपाही अभी भी फरार है, वह पुलिस के गिरफ्त में अभी नहीं है। लगातार दबिश करने के बावजूद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में कहीं न कहीं असफल साबित हो रही है। गोलीकांड को लेकर प्रयागराज कीटगंज व्यापारी संगठन में काफी आक्रोश है। वह रैली निकालकर सरकार को यह चेताया है कि व्यापारियों के ऊपर हो रहे अपराध जैसी घटनाओं को कंट्रोल लगाया जाए, नहीं तो व्यापारी उच्च स्तर पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। व्यापारियों की मांग है कि जिस तरह से खुलेआम घटना घटी है, ऐसे आरोपियों की कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ उनके ऊपर संबंधित एक्ट लगाकर उनको जीवन भर के लिए जेल में डाल देना चाहिए। व्यापारी तब तक यह प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा। कोई नई नहीं है, 9 महीना पहले इनके आवास पर किसी से एक छोटी सी बात पे, जो कि बहुत सम्मानित परिवार है, 60 साल लगभग इनकी दुकान का हो गया और मोहल्ले का सबसे सम्मानित परिवार था, 9 महीना पहले इनकी दुकान पे बम चला, उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई और इसने कुछ लोगों को पेश करा के अपने आप को बचा लिया। उसके बाद इतनी बड़ी घटना, उनको दुकान से अपने घर से गाली बकता था, उसके बाद उनको दुकान से उतारने के बाद देख रहे हैं आप, जो कि सीसीटीवी।